गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 8 जुलाई 2020। तो आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स में आपका वेलकम करती हूँ। आज देखेंगे देश और दुनिया में क्या नया हुआ, क्या इकोनॉमिक्स और रिपोर्ट्स में नया हुआ, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 7 जुलाई के करंट अफेयर्स की वीकली जो करंट अफेयर्स सीरीज है 75 MCQs की, वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उसका PDF भी आपको सक्सेस मंच टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच फेसबुक पेज दोनों पे मिल जाएगा। वो भी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिसको भी नहीं मिल रहा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं पर्सनली उसके मेल पर सेंड कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किया है फेसबुक के साथ समझौता। केंद्रीय और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने पहले चरण में अपने स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त एवं व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है। CBSE की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में, अध्यक्ष है मनोज आहूजा। फेसबुक की स्थापना हुई है फरवरी 2004 में और CEO है इसके, एज यू नो, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया के सिनेरियो से। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाकर रिकॉर्ड बनाया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है शेषनाग। इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो भारतीय रेलवे ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। रेलवे ने शेषनाग चलाकर 2.1 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाने का कीर्तिमान रचा है। शेषनाग भारतीय रेलवे पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। अगर भारतीय रेलवे या कि यानी कि इंडियन रेलवे की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में, रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है उर्जित पटेल ने। उर्जित पटेल जो कि RBI के पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की किताब लिखी है। ये किताब इस महीने के अंत में रिलीज होगी और इसे हार्पर कार्लिस इंडिया ने प्रकाशित किया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने साइकिलिंग में वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका का खिताब जीता है? तो ये हैं भरत पन्नू। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले एडिशन में लीडर बोर्ड पर तीसरा स्थान हासिल किया है। पन्नू अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू किया है? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये शुरू की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश राज्य सरकार की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू किया है। जो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन लोगों की मदद करेगा। अगर हम MP की बात करते हैं तो इसकी राजधानी भोपाल है, इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, विधानसभा में 230 सीटें हैं। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क MP में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने हाल ही में किस ग्रह के नज़दीक और सबसे बड़े चंद्रमा के फोबोस की तस्वीर भेजी है? तो ये है मंगल। फोबोस और डीमोस दो उपग्रह हैं जो मंगल के हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है हाल ही में मंगल ग्रह के नज़दीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर भेजी है, जिससे के मंगलयान पर लगे मार्स कलर कैमरे ने खींचा है। इस तस्वीर में फोबोस पर बहुत ही बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है, जिसे स्टिकनी नामक नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने जूनियर एथलीटों के लिए जल्द ही कौन सी स्कीम लॉन्च की है? तो ये स्कीम है टॉप्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो खेल मंत्रालय ने जूनियर एथलीटों के लिए जल्द ही टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म है टॉप्स, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य वर्ष 2028 तक भारत को ओलंपिक चैंपियन बनाना है। सरकार इस स्कीम के लिए 10 से 12 साल की प्रतिभाओं की खोज कर उसे अपनाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप कौन सा लॉन्च किया है? तो इसका नाम है एलिमेंट्स। डिस्क्रिप्शन है कि जैसे कि जिसके यूज़र गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड इसे कर सकते हैं एप्लीमेंट्स ऐप को, और ये ऐप पहले से ही गूगल प्ले स्टोर पर था लेकिन अब इसे व्यावसायिक तौर पर लॉन्च कर दिया है, तो ये हम कहेंगे भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एप्लीमेंट्स। भारत के गृह मंत्रालय ने खलिस्तान का समर्थन करने वाले प्रतिबंधित संगठन SFJ से जुड़ी कितनी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है? तो ये है 40 वेबसाइट। भारत के गृह मंत्रालय ने खलिस्तान का समर्थन करने वाले प्रतिबंधित संगठन फॉर जस्टिस SFJ से जुड़ी 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। सिख फॉर जस्टिस ने समर्थकों को पंजीकृत करने के लिए अभियान इन्हें चला रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 188 मिलियन फॉलोवर्स के साथ सबसे महंगे इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बन गए हैं? तो ये है हमारे ड्वेन द रॉक जॉनसन। ड्वेन द रॉक जॉनसन 188 मिलियन फॉलोवर्स के साथ सबसे महंगे इंस्टाग्राम के सेलिब्रिटी बन गए हैं, और ड्वेन द रॉक जॉनसन की ब्रांडेड पोस्ट करने पर 1.015 की कमाई होती है डॉलर, मतलब कि करीब 7.58 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है, और उन्होंने हाल ही में फॉलोवर्स के मामले में काइली जेनर को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश को पीछे छोड़कर भारत कोरोना वायरस से तीसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बन गया है? तो ये अभी का लेटेस्ट डाटा है, मतलब कि मैं 8 जुलाई की बात कर रही हूँ, इसके बाद डेटा अपडेट जैसे ही होता रहेगा मैं ऐसे ऐसे आपको न्यूज़ यहाँ पर देती रहूँगी। तो ये आप जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसका करेंट अफेयर ये थोड़ा देख के आप लोग समझ के कीजिएगा। तो भारत ने रूस को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है। वर्ल्ड मीटर के अनुसार रूस में अभी तक 681,251 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका संसद ने हांगकांग में सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच किस देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाले एक विधेयक को पारित किया है? तो ये पारित किया है चीन के खिलाफ। चीन, अमेरिकी संसद ने हाल ही में हांगकांग में अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई करने के लिए चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित कर दिया है। तो आज की करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।